बिस्मिल्लरकमी रहीम स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबिलिटी एंड रैंडम सैंपल है बट उसमें हम अब सेकेंड टर्म को डिस्कस करेंगे इससे पिछली वीडियो में हमने सिंपल रैंडम सैंपल डिस्कस किया था अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल की कुछ चीज़ें एक तो हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं पॉपुलेशन को और होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अब मैं इसका बताती हूँ कि आ साम्पल ऑफ साइज़ एंड इज डिफाइंड

साइज एन जो है वो हम इफ इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन विच पॉपुलेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ नॉन अवरलैपिंग ग्रुप्स ये किसमें डिवाइड होता है नॉन अवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स एंड सब रैंडम्स सब पॉपुलेशन कॉल स्ट्रेटा तो इसको हम क्या कहते हैं एंड सब पॉपुलेशन सब पॉपुलेशन ये हमारे पास कहलाता है स्ट्रेटा सच दैट पार्ट ऑफ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द रैंडम ईच स्ट्रेटम ठीक है हम क्या कहते हैं कि दैट पार्ट ऑफ सैंपल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच स्ट्रेटम ये जो तम, ये जो हम पार्ट सैंपल का ड्रॉन करते हैं ना उसको हम स्ट्रेटम में से लेते हैं ठीक है अब हमारे पास क्या है कि हम इसको कहते हैं अ सैंपल ऑफ साइज एन इज डिफाइंड टू बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल इफ इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द पापुलेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ नॉन अवर लैपिंग ग्रुप्स एंड सब पॉपुलेशन कॉल द स्ट्रेटा दैट पार्ट ऑफ सैंपल इज ड्रॉन

कि इसमें हमारे पास हैट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती हैं बट हमने इसको सिमिलरली करना होता है होमोजीनियस पॉपुलेशन पौ में होमोजीनियस पॉपुलेशन लेनी होती है ठीक है हम इसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं मेन चीज़ इसका क्या होता है कि जो आपके पास पॉपुलेशन होती है वो लार्ज होती है आपने उसके जो सैम्पल है उसको मेन डिवाइड करना होता है सब ग्रुप्स में बट वो नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हो अवरलैपिंग ग्रुप्स क्या होते हैं जो एक दूसरे में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आ रही होती हैं बट ये हमारे पास क्या होनी चाहिए नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स होने चाहिए या सब पॉपुलेशन कह सकते हो और इच स्ट्रेटा कह सकते हो स्ट्रेटिफाइड फिर हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मे बी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज सच एज अ लार्ज मीडियम एंड स्मॉल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुपिंग सच एज अ प्रोवेंस एंड डिस्टिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया सच एज अर्बन एंड रूरल करेक्टरिस्टिक्स सच एज द एज ग्रुप फैमिली साइज एजुकेशन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर द एडवाटेज ऑफ स्ट्रट एंड एम साम्पलिंग आर लो कॉस्ट अच्छा स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताऊँ कि जो हमारे पास पॉपुलेशन uh, है ना मे बी स्ट्रेटिफाइड अकॉर्डिंग टू द साइज सच एज अब हमारे पास क्या हो सकता है लार्ज हो सकता है मीडियम हो सकता है स्मॉल हो सकता है ये कि groups है कि नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स हैं सब ग्रुप्स में हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते होते हैं ठीक है अब वो स्ट्रेटिफाइड हमारे पास क्या हो जाता है स्ट्रेटा ईच ईच सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड द स्ट्रेटा ये हमारे पास स्ट्रेटा है थ्री अब हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हो सकता है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड के अकॉर्डिंग कि वो लार्ज हो मीडियम हो या स्मॉल हो ठीक है फिर एडमिट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुपिंग में हम क्या कह सकते हैं या हमारे पास प्रोवेंसेज जा आ जाते हैं हम उनको डिवाइड कर लेते हैं ना स्ट्रेटिफाइड कर लेते हैं स्ट्रेटअप बना लेते हैं या हमारे पास क्या आ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं इस तरह हम डिवाइड कर लेते हैं फिर हमारे पास अगर जियोग्राफिकल हम ले रहे हैं तो हम कहते हैं एरिया सच एज अर्बन अर्बन एंड रूरल एरिया में हम क्या कर लेते हैं इनको डिवाइड कर देते हैं ये स्ट्रेटा बना लेते हैं इनके अब देखें अर्बन एरियाज हो सकता है रूरल एरिया से ज़्यादा बड़े हों ठीक है तो ये चीज़ जो है बड़े छोटे हो सकते हैं बट आपने उनको मेन अव नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स में डिवाइड करने है उस तरह आपके लिए जो पॉपुलेशन है जब लार्ज होती है तो आप उसे ईजिली डिस्कस कर सकते हो ठीक है अब इसी के मैं आपको एडवांटेज बताती हूँ कि आपके पास एडवांटेज क्या होंगे स्ट्रेटाफाइड रैंडम सैम्पल के अच्छा स्टूडेंट हमारे पास जो एडवांटेजेज़ होते हैं इसके अक्सर हमसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल तो आपको स्ट्रेटा में तो हमने डिवाइड कर दिया है सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया फिर उनमें से हम सैंपल लेके जो हम हमने उस पर ऑब्जर्वेशन uh, करनी होती है हमने उस पर वर्क uh, करना होता है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमने करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अब इसके एडवांटेज हमारे पास क्या हो जाता है कि हम कहते हैं स्ट्रटिफाइड रैंडम सैंपल जब हम उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो ये लिए क्या हो जाएगी लो कॉस्ट हो जाएगी ठीक है फिर क्या हमारे लिए क्या हो जाएगी टाइम सेविंग भी आपके पास हो जाएगी कि बड़ी पॉपुलेशन को आपने अगर ऑब्जर्व करना है तो उससे आप जो छोटे छोटे ग्रुप्स लोगे उसको आप बेटर ऑब्जर्व कर सकते हो और टाइम सेव कर सकते हो फिर ग्रेटर एक्यूरेसी आ जाती है कि आपकी जो एक है वो आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी ठीक है एकोरेसी आपके पास आ जाएगी फिर बेटर कवरेज बेटर कवरेज हमारे पास क्या होगा कि जब आपके पास जो पॉपुलेशन है अगर हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है ठीक है उसको कवर करना हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे लिए एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी फिर टाइम बहुत ज़्यादा फिर हमें उसी तरीके से ट्रेन पीपल भी चाहिए होंगे बट अगर हम उसी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे और वहाँ अपनी वेल ट्रेन वेल ट्रेन जो हमारी टीम होगी उसको भेजेंगे तो वो आपके लिए क्या करेगी बेटर कवरेज कर सकेगी क्योंकि आपके पास एरिया कम होगा आ, और आपके पास जो पर्सन है वेल ट्रेन होंगे तो वो आपके बेटर कवरेज है ना उसको आप कंप्लीट कर सकेंगे तो हमारे पास यहां आ जाता है बेटर कवरेज अच्छा रैंडम सैंपल इज यूज वैन वेरिएशन अमंग स्ट्रेटा आर ग्रेटर देन द वेरिएशन विद इन द स्ट्रेटा अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि ये यूज कहाँ होता है ये फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेटा एक ले लिया अपना ठीक है हमने इसको पॉपुलेशन को सम ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या होता है हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल यूज़ का होती है व्हेन वेरिएशन अमंग स्ट्रेटा आर ग्रेटर कि इनके दरमियान जो वेरिएशन है ना स्ट्रेटा के दरमियान वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वेरिएशन विद इन द स्ट्रेटा कि अगर हम विदिन स्ट्रेटा देखें तो विद इन स्ट्रेटा जो वेरिएशन है वो कम होती है बट अमंग द स्ट्रेटा जो वेरिएशन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं दैन वी यूज़ द स्ट्रेटेफाइड रेनम सेम्पल तो स्ट्रेटेफाइड रेडम सेम्पल हम तभी यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज़ और इस ये हम कब यूज करते हैं वेन वी नीड द पॉपुलेशन सम पार्ट ऑफ द इंफॉमेशन इज़ रिक्वायर्ड हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है बल्कि हमें किसी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिन्हें हम कहते हैं कि हमें अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में से अगर रूरल की चाहिए तो के के हम मुख्तलि स्ट्रेटम में डिवाइड करके हम रूलर एर की इफार्मेशन जो है ले लेंगे तो वो डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन जो होती है न अगर हमें लेनी होती है तो उसके लिए भी हम स्ट्रेटेफाइडम साम्पल यूज़ कर रहे होते हैं अच्छा स्टूडेंट अब हमारे पास एक इसमें पर्पज़ uh, इसका जो है मेन पर्पज़ हमने डिस्कस करने है कि स्ट्रेटेफाइड रेनम सैंपल यूज करने का पर्पज क्या है <coughs> तो अब मैं आपको इसका पर्पस बताती हूँ कि हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो है वो यूज़ करने का पर्पस क्या है मेन जो पर्पस इसके आप कह सकते हो बेसिकली जो मेन पर्पस हैं वो आपके पास थ्री पर्पस हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल जो कि प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की काइंड्स काइंड्स uh, में दूसरे नंबर पर आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल उसका जो पर्पज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करने लगी फर्स्ट आप कहते हो स्ट्रेट स्ट्रेटा ऑप्टेन बाई सब डिवाइडिंग द दैट्रोजीनियस पॉपुलेशन मोजीनियस ग्रुप्स हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हाइट्रोजीस पापुलेशन होती है उसको हम क्या करते हैं इंटू होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं अच्छा होमोजीनियस ग्रुप्स क्या होते हैं कि जो ज़्यादातर सिमिलर लगते हैं एक जैसे लगते हैं ठीक है तो उसको हम क्या करते हैं होमोजीनियस हमुजी, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेटा ऑप्टेन बाय सब डिवाइडिंग हेट्रोजीनीस पॉपुलेशन वो ये जो हैट्रोजीनियस पॉपुलेशन होते हैं हम इनको इंटू होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें वही इन्फॉमेशन चाहिए होती है जो हमें डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है दोनों ग्रुप्स में से अच्छा सेकेंड जो इसका पर्पस होता है हम कहते हैं कि सेकेंडली इट प्रूव्स इम्प्रूवड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन करैक्टरिस्टिक इट प्रोवाइड्स इम्प्रूवड एस्टिमेट्स हमें ये प्रोवाइड करते हैं इम्प्रूव एस्टिमेट इम्प्रूव एस्टिमेट्स क्या होते हैं कि हम जिस आ, आ, जो हमें क्वेश्चन चाहिए और जिन पर हम वर्क कर रहे हैं अगर हम फुल पॉपुलेशन लेंगे अगर आपकी पॉपुलेशन लार्ज है तो उसमें आपके लिए जो फाइंड करने हैं वो क्वेश्चन वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे जब हम उसको डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हो तो आपको जो आपके वर्कआउट करने में आसानी हो जाती है और इस तरह जो आप को एस्टिमेट हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड एस्टीमेट्स प्रोवाइड इंप्रूव एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स थर्डली इट रिड्यूस द वेरियंस ऑफ द एस्टिमेटर अच्छा ये क्या करते हैं रिड्यूस वेरियंस वेरियंस ऑफ एस्टिमेटर अच्छा ये हमें क्यों कहा गया है कि इट आल्सो जो इसका पर्पस है कि इट्स आल्सो रिड्यूस वेरिएंस ऑफ एस्टीमेटर वेरिएंस ऑफ एस्टीमेटर आपको मैंने बताया था कि जितना स्मॉलर आपका वेरिएंस होगा उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी ही ज़्यादा होगी ठीक है वो इतना ज़्यादा रिलायबल होगा वेरियंस जितना कम होगा हमारे पास जो वेरियंस है वो जितना कम होगा जितना स्मॉलर होगा आपके जो एस्टिमेटर आपको जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगा आपके पास जो रिलायबिलिटी है जो क्वेश्चंस या एस्टिमेटर जो आप ले रहे हो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जाएगी ठीक है तो स्मॉलर द वेरियंस रिलायबिलिटी विल बी इम्प्रूव टू रिड्यूस वेरियंस ऑफ एस्टिमेटर तो ये हमारे पास थ्री परपज़ आ जाते हैं मेन यूजिंग फॉर द स्टेटिफाइड रैंडम सैंपल अच्छा स्टूडेंट ये तो प्रोबिलिटी रैंडम सेम्पल्स के हमारे पास क्या था स्टेटिफाइन नंबर था जो कि हमने डिस्कस नेक्स्ट इनशालास्टमैटिक रैंडम साम्पल एंड क्लस्टर साम्पल को भी हम डिस्कस करेंगे आई होप स्टूडेंट आपको ये रैंडम जो प्रोबिलिटी एंड रैंडम साम्पल्स का जो पार्ट था वो समझ आया होगा अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है किसी किस्म कि की आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा मैं इनशाला आपको आंसर दूंगी आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज इसमें ले रखानी रहीम स्टूडेंट अब जो हम फिफ्थ टर्म डिस्कस करेंगे प्रोबिलिटी रैंडम सैंपल्स की उनमें आ जाती है मल्टी स्टेज साम्पलिंग अब मल्टी स्टेज साम्पलिंग आपके पास क्या होती है जिस तरह स्टूडेंट आपको पता चल रहा है कि नेम से कि मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेज इनमें मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूँ अच्छा मल्टी स्टेज साम्पलिंग हमारे पास क्या है कि अ अम्पल इज़ इज़ कॉल्ड अ मल्टी स्टेज साम्पल वेन इट इज़ सेलेक्टेड इन स्टेजेज़ ठीक है द पॉपुलेशन यूनिट्स एंड ईच स्टेज बींग सब सैम्पल फ्रॉम द लार्जर यूनिट सेलेक्टेड एट प्रीवियस स्टेज अब हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन देन इट्स ऑल्सो डिवाइड इन टू द डिफरेंट स्टेजेस स्टेज वन स्टेज बी एंड स्टेज सी ठीक है

सेकेंड स्टेज इज़ फर्दर डिडे इन द थर्ड स्टेज मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये तो फर्स्ट स्टेज आ गया फिर हमने इसको मजीद डिवाइड किया तो इट्स आल्सो सेकेंड स्टेज सी डी एंड ई कह लें एंड अगेन अगर हम इसको डिवाइड करें दैट इज़ द थर्ड स्टेज ठीक है हमारे पास क्या आ गया है थर्ड स्टेज आ गया अच्छा इसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आपको बेसिकली इसकी समझ आ जाए हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इन अ साम्पल सर्वे वी सिलेक्ट रेंडम साम्पल ऑफ एन वन डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट स्टेज है अब हमने क्या किया है कि हमने एक डिस्ट्रिक्स को जिसको हम कह रहे हैं एन वन ठीक है डिस्ट्रिक्स इसको हमने एज अ फर्स्ट अपनी पॉपुलेशन जो है सिलेक्ट कर लिया ये हमारे पास जो पॉपुलेशन में से हमने जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज हमारे पास ये क्या है फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट स्टेज अब uh, स्टूडेंट आपने क्या करना है इस डिक्सट्रेस को आपने करना है डिवाइड इनटू देन वी टेक अ सब सैंपल ऑफ एंड टू विलेजेस सेकेंड स्टेज एंड हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं इन द विलेजेस वी आर टेकिंग द टू विलेजेस इसको हमने डिवाइड कर दिया है ए एंड बी इसमें हमने डिवाइड किस में कर दिया विलेजेस में तो ये जो हमारे पास देन हमने अगेन जो हमने इसमें से सैंपल सिलेक्ट किए दैट इज द सेकेंड स्टेज ये हमारे पास क्या आ आगे सेकेंड स्टेज आ गई है पॉपुलेशन की पापुलेशन की जो फर्स्ट स्टेज थी जिसे एन वन हमने कहा था वो हमारे पास क्या थी हमने डिवाइड कर दिए थे डिस्ट्रिक्स फिर उस डिस्ट्रिक्स को हमने डिवाइड किया इनटू इंटू द टू विलेजेस तो ये हमारे पास एन टू एंड इस विलेजेस को जब हमने डिवाइड किया एन थ्री में और एन थ्री आपके पास क्या आ जाता था आफ्टर द विलेज हम कहते हैं अगेन वी आर सेलेक्टिंग द सम साम्पल ऑफ एन थ्री हाउस होल्ड थर्ड स्टेज ऑफ ईच यूनिट तो हमने क्या किया फिर हमने आ, आ, हमने सेलेक्ट कर लिया सम हाउस होल्ड तो ये हमारे पास जो है थर्ड स्टेज आ गई है इसको हम क्या कहते हैं थर्ड स्टेज अगर इसी हाउस होल्ड को हम मोर और फर्दर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाती है मल्टी स्टेज सैम्पल जिसमें हम मुख्तलिफ स्टेज़स में डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी स्टेज सैम्पल अब हमारे पास एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है कि ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन चूजन एट एनी स्टेज नीड टू बी लिस्टेड फॉर सैम्पलिंग एट द नेक्स्ट स्टेज हमें क्या होता है कि इसमें हमारे लिए एक फ़ायदा ये हो जाता है जो इसका एडवांटेज मैं आपको बता रही हूँ कि हमने अगर विलेजेस को करने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है ना फिर जो हमने मेन विलेजेस डिस्कस किए तो वो हमारे पास एक तो टाइम शॉर्ट होता है कॉस्ट कम पड़ेगी ठीक है फिर हम उसको ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकेंगे अब उन विलेजेस को हमने जब डिस मेन डिवाइड कर दिया हाउस होल्ड में तो हाउस होल्ड के लिए हम मजीद क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं उसको डीपली एंड ब्रीफली डिस्कस भी कर सकते हैं तो ये आपके जो ट्रेनर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और आपको जो कहते हो ना कि ब्रीफ़ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लार्ज इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है तो वो आपके लिए इजी हो जाता है ये हमारे पास मल्टी स्टेज अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं ना इनमें डिफरेंस क्या है सेकंड जो मैं आपको पढ़ाती हूँ पहले मैं आपको बता दूँ फिर मैं आपको इनमें डिफरेंस बताती हूँ कि आपके पास मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेज में डिफरेंस क्या है अब सेकेंड मैं आपको बताने लगी हूँ मल्टी फेज सैंपल अच्छा है सैंपल ही सिलेक्ट करने हैं पॉपुलेशन में से करने सैंपल ही सिलेक्ट हैं बट इसमें हमारे पास क्या है अ सैंपल इज सेड टू बी टू फेज व्हेन सर्टेन आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल यूनिट्स इन अ सैंपल एंड अदर आइटम्स आर यूजुअली मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्राम द सब साम्पल्स ऑफ यूनिट्स कंपोजिंग द ओरिजिनल सेम्पल अच्छा इसमें हमारे पास जो मेन चीज़ हमें बता रहे हैं इसमें हमारे पास फेज एक ही होता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आइसक्रीम ठीक है आइसक्रीम को हम डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने अगर डिस्कस करनी है है आइसक्रीम ही बट इसके फेज डिफरेंट है फॉर एग्जाम्पल कॉर्नाटो है आपके पास वॉल्स की आइसक्रीम है ठीक है एन इधर आप कोई भी फ्लेवर लिख लो ठीक है या कोई भी कंपनी ले लो आइसक्रीम की सी फॉर एग्जाम्पल कंपनी सी है तो मेन जो आपके पास है ना सैम्पल वो सेम ही है आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन सेम ही है वो आइसक्रीम ही है बट उसके फ्लेवर चेंज है उसके फेजेस चेंज है तो इसको हम कहते हैं मल्टी फेज सैम्पल आपके पास क्या आ जाता है मल्टी फेज सैंपल मल्टी स्टेज सैंपल में हमारे पास क्या होता है कि स्टेजेस ही चेंज होती जाती है हमारे पास स्टेजेस चेंज हो जाते हैं बट मल्टी फेज सैंपल में आपके पास क्या होती है कि बेसिकली जो ओरिजिनल आपके पॉपुलेशन है वो सेम रहती है बट आप उसके टेस्टेज या फ्लेवर चेंज कर लो तो वो आपके पास आ जाती है मल्टी फेज सैंपल इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन मल्टी फेज साम्पलिंग द सेम यूनिट्स आर यूज एट ईच स्टेज हमारे पास जो यूनिट्स हैं ना वो क्या होता है सेम यूनिट्स आर यूज एट ईच स्टेज या ईच फेज में वे, वे, बट तो आप जब मल्टी स्टेज सैंपलिंग की बात करते हो तो आपकी स्टेजे आपकी जैसे जैसे चेंज हो रही है तो उन स्टेजेस में आपके यूनिट्स भी चेंज होंगे ठीक है जो आप सैंपल एस ए सिलेक्ट कर रहे हो वो भी चेंज होंगे तो ये डिफरेंस मेन तो ये अक्सर आपसे पूछ भी लिया जाता है में में तो ये आपने में रखने। Last one आप कहते हो कि जी हमारे पास जो है एग्जामशियलिंग अच्छा सिक्वेंशियलिंग मेन क्या है आपके पास आप कहते हो दिस इज अनदर मैथड ऑफ सैंपलिंग विद्पल इज नॉट फिक्स्ड इन एडवांस ऐसे तो हम कहते हैं ना कि हमने जी डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड कर दिया विलेजेस को विलेजेस को डिवाइड कर दिया हाउस होल्ड को जहाँ जब हम पढ़े थे हम सारे सैंपल में ऐसे ही करते हैं ना कि हमारे पास फिक्स होते हैं कि हमने जी डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया फिर हमने विलेजेस में, विले में डिवाइड कर दिया फिर हमने हाउस होल्ड में डिवाइड फिर मोर क्लासीफिकेशन हम कर लेते हैं क्लासेस में डिवाइड तो ये हमारे पास क्या होता है हमें पता होता है ठीक है हमारे पास पहले से हमारे पास फिक्स होता है कि जी हमने इसमें डिवाइड करने बट सिक्वेंशियल सैम्पलिंग जो है आपके पास ये हमारे पास अनादर काइंड ऑफ सैम्पलिंग है वेयर सैम्पल साइज इज नॉट फिक्सड इन एडवास जहाँ आपको साम्पल साइज़ जो है वो फिक्स नहीं होता है बट साम्पलिंग यूनिट्स आर ड्रॉन ऑन बाई वन और इन लॉड्स एंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन द डेफिनेट रूल रिलेटिंग टू द सेम्पलिंग यूनिट्स दैम सेल्स यहाँ हमारे पास क्या होता है कि द सपल साइज इज नॉट फिक्सड इन एडवांस होता है एंड साम्पलिंग यूनिट्स आर ड्रॉन ऑन बाय वन और इन लॉट्स और जो साम्पलिंग यूनिट्स हैं वो हम वन और लॉट्स भी ड्रा कर सकते हैं देन डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेफिनेट रूल जो डिसीजन हमारा बेस करेगा वो डेफिनेट रूल रिलेटिंग टू द सैम्पलिंग यूनिट जो कि सैम्पलिंग यूनिट से रिलेट करेगा उस पर हमारा डिसीजन जो है वो बेस करेगा तो ये हमारे पास जो होती है सिक्वेंशियल सैम्पलिंग होती है और थोड़ी सी अगर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है अगर इंट्रोडक्शन देना है तो मैं आपको बोल रही हूँ आप नोट कर लें या आपके पास होगा कि दिस इज अनदर मैथड ऑफ सैम्पलिंग वी आर द सैंपल साइज इज नॉट फिक्सड इन एडवांस बट साम्प

eccetera che si risposto all'aff. बिस्मिल स्टूडेंट अब प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल की हम थर्ड काइंड पढ़ेंगे कि सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल हमारे पास क्या होता है हमने पहले डिस्कस किए थे कि सिंपल रैंडम सैंपल क्या है फिर हमने पढ़ा था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल क्या है एंड अब हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल में स्टूडेंट जैसे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल कि जो भी चीज़ हम सैंपल सेलेक्ट करेंगे वो एज अ सिस्टम के तहत उसको प्रॉपर सिस्टम के तहत आप सेलेक्ट करोगे ठीक है

टू एन ले रहे हैं वन टू एन तो वो एक सिस्टम के तहत हम सिस्टमैटिक मैनर्स में सेलेक्ट कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं सिस्टमैटिक मैनर्स में हम क्या कर है? रहे हैं सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉपुलेशन में से केथ यूनिट्स को सेलेक्ट किया है केथ यूनिट को देन वो हमारे पास जो सैंपल हैं उनको फिर हम उन्हीं में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो ये जो एक सिस्टम के तहत हम चाह रहे हैं इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। इसको आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कि अ सैंपल ऑफ साइज एन इज़ टू बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल। ये मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी बता रही हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन भी है इफ़ इट इज ऑप्टेन बाई चूजिंग वन यूनिट एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट केथ यूनिट एंड देयर आफ्टर सेलेक्टिंग एवरी के यूनिट after the n units in the population have been serial number from one to n arranged in the systematic fashion कि आपने एक systematic manners को follow करते हुए अपनी population में से sample जो है select किए हैं kth units select किए हैं और उन units में से आपने फिर जो है select किए हैं units as a sample तो ये एक सिस्टम के तहत जो आपने सीरियली अरेंज किया है वन टू एन आप सीरियली उसको अरेंज करके जो आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने सैम्पल को उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल जो कि मैंने अभी डेफिनेशन भी आपको बोल के बताई हुई इसकी आप एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हो डेफ़िनेशन में भी, भी लिख सकते हो और इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो अब हमारे पास क्या आ जाते हैं एंड स्टूडेंट ये तो हमारे पास हो गया है जी आ, हम कहते हैं सिस्टोमेटिक रैंडम सैंपल इसको थोड़ी सी है बस यही है कि सिस्टम के तहत हो रहा है बाकी वही चीज़ें कि पॉपुलेशन में से आपने सैंपल सेलेक्ट करने अच्छा सेकेंडली आपके पास आ जाता है क्लस्टर रैंडम सैंपल क्लस्टर ये फोर्थ पे हमारे पास आ रहा होता है मैं आपको इसका भी बता देती हूँ ये हमारे पास प्रोबिलिटी जो प्रोबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की काइंड हैं फोर्थ पे हमारे पास जी आ रहा है क्लस्टर Cluster random random sampling. अच्छा स्टूडेंट क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या है कि आ रैंडम सैम्पल इज सैट टू बी अ क्लस्टर सैम्पल इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट सिलेक्टिंग एट रैंडम ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल क्लस्टर्स इनटू टू विच पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड एंड देन इंक्लूडिंग इन द सापल आल दूनिट्स फ्राम इच यूनिट ऑफ द चूज क्लस्टर्स और यूनिट विच कलस्टर कंपेरिजन अच्छा इसमें भी बड़ी ही सेम चीज़ आपको बताया देखें क्लस्टर कि हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है ठीक है हम उनमें से ग्रुप्स जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी हमने क्या किए हैं ग्रुप्स जो जो हैं सेलेक्ट कर लिए हैं ठीक है एंड दीज ग्रुप्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्लस्टर्स ये हमारे पास क्या आ जाते हैं क्लस्टर्स आ जाते हैं ठीक है इन्हीं क्लस्टर्स में से हमने फिर अपने क्या लेने हैं सैंपल्स लेने हैं जो भी हमारे पास हो गए यूनिट्स आप कोई भी नाम दे दो एस आर पी दे दो ठीक है ये हमने सैंपल्स सेलेक्ट कर दिए फिर इन पर हमने ऑब्जर्व करना है अपनी जो भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमने उन पर वर्कआउट करना है तो ये हमारे पास जो क्लस्टर्स हैं अपनी पॉपुलेशन जो हमारे पास लार्ज पॉपुलेशन होते हैं उनमें से हमने ग्रुप्स जो है सब उस ग्रुप्स में डिवाइड कर देना होता है वो जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम क्लस्टर्स बोलते हैं उन क्लस्टर्स में से फिर हम आ, अपने जो हैं सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाते हैं क्लस्टर रैंडम साम्पलिंग आप क्लस्टर रैंडम साम्पलिंग को क्या कह सकते हो कि इन अदर वर्ड्स दैट अ पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इन एम स्मॉलर ग्रुप्स इक्वल और इन साइज कॉल्ड क्लस्टर्स सच एज अ ब्लॉक्स ऑफ सिटीज हाउस होल्ड क्लासेज अच्छा स्टूडेंट अब आपके पास जो पॉपुलेशन है फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या आगे है लार्ज पॉपुलेशन अब आपने इनको मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में डिवाइड कर देने हैं और वो ग्रुप्स इक्वल और अन एकवल साइज़ में हो सकते हैं ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आ, क्या कहते हो कि पॉपुलेशन है फिर आपने उसको डिवाइड कर दी है आपके पास अगर लार्ज पॉपुलेशन है आपने उसको डिवाइड किया है जी पहले सिटीज़ में ठीक है डिफरेंट सिटीज़ में आपने उसको डिवाइड कर दिया आफ्टर सिटी आपने उसको क्या किया है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लेती हूँ कराची ये मेरे पास कराची आ गया है यहाँ में कुछ कोई भी आप सिटी लिख लो ए बी सी कोई भी सिटी है ठीक है अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कराची कराची को आपने मज़ीद आपने डिवाइड कर देना है इन दी हाउस होल्ड में या स्ट्रीट्स में ठीक है ये हमने डिफरेंट स्ट्रीट्स ले ली उन स्ट्रीट्स को आमने डिवाइड कर देना है हाउस होल्ड में ठीक है हाउस होल्ड और उन हाउस होल्ड को भी आप अगर क्लासेज में मुख्तलि क्लासेज में डिवाइड करना चाहो तो ये आपके पास जो है क्लस्टर्स कि एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया तो ये आपके पास आ जाती है ठीक है कि ये हमारे पास जो आ, लार्ज पॉपुलेशन है इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स या सब ग्रुप्स या आप कह सकते हैं उन ग्रुप्स को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं फिर उनके मुख्तिस सब साम्पल्स लेते हैं तो ये आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो जल्दी आपको ईज़ी रिक्वायर्ड हो जाती है अब इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या है कि <coughs> अरेंडम सैंपल कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ क्लस्टर्स सी एम इज़ देन सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल दिज क्लस्टर वेयर आर ई चूजन क्लस्टर इज़ आयदर सब सैंपल्स ऑफ ऑल सब यूनिट्स इन सैंपल क्लस्टर सेम वही चीज़ बता रहे हैं कि आपने जब भी कोई सैंपल सेलेक्ट किया है अपने सब ग्रुप्स में से वो आपके पास क्लस्टर हो गया वो आपके पास क्लस्टर साम्पल आ गए क्लस्टर साम्पलिंग रिक्वायर द दिस वन अच्छा ये तमाम चीज़ें वही आपको बताई गई हैं कि जी आपके पास पॉपुलेशन लार्ज थी आपने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया वहाँ से आपने उन क्लस्टर्स कहते हो फिर उनमें से सैंपल जो आपने सेलेक्ट किए हैं उनको आप क्या कहते हो क्लस्टर सैंपल कहते हो क्लस्टर सैंपल फिर उन सैंपल को आप मजीद डिवाइड कर देते हो ग्रुप्स में तो वो आपके लिए इजी जो है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो जाती है अच्छा अब इस में हमारे पास जो प्रोसीजर्स में मेन चीज़ एक आ जाती है स्टेजेस आ जाती हैं अगर हम कहते हैं द प्रोसीजर इज कॉल्ड द वन स्टेज क्लस्टर साम्पलिंग व्हेन ऑल द यूनिट्स विच ईच ऑफ द साम्पल्स सेलेक्टेड क्लस्टर आर इंक्लूडेड अब ये जो हमारे पास पॉपुलेशन है इसमें हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या होगी वन स्टेज होगी ठीक है उन ग्रुप्स को मजद हमने यूनिट्स में सैम्पल्स सेलेक्ट किए तो वो हमारे पास क्या होगी सेकेंड सेकेंड स्टेज होगी एंड इसी तरह अगर मुख्तलिफ साम्पल्स हमने लिए हैं तो उसको आप कहते हो मल्टी स्टेज ठीक है कि हमारे पास मुख्तलिफ स्टेजेस में अगर सेकेंड आपने स्टेज लिया है आपके पास सेकेंड आपने फिर साफ सा, क्लस्टर सैंपल्स लिए हैं फिर आपने अगर मुख्तलिफ बहुत सारे लिए हैं तो उसको आप कहते हो मल्टी स्टेज ठीक है तो ये आपके पास आ जाता है अच्छा अब इसके एडवांटेजेस क्या है मैं आपको एडवांटेजेस बताती हूँ क्लस्टर सैम्पलिंग के एडवांटेजेस जो आपके पास आ जाते हैं स्टूडेंट वो आपके पास होते हैं कि द एडवांटेज ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग इज सेविंग द कॉस्ट एंड टाइम ये तो तमाम आप जितने भी पढ़ रहे हो ना प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पल्स के उन तमाम का यही है कि एक तो वो हमारा सेव टाइम करती है सेव कॉस्ट करती है क्योंकि सैम्पल का जो मेन पर्पस है और मेन एडवांटेज है वो होता ही यही है ठीक है फिर आपके पास क्या है कॉस्ट ऑफ सैम्पल सिलेक्शन एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ इंटरव्यूज़ आर कंसिडरली लो इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंटरव्यूज़ हैं इंटरव्यूज़ वो हमारे पास क्या हो जाती है लो हो जाती है क्योंकि हम इसको मज़ीद सब जो अपने क्लस्टर्स जो हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं और उन क्लस्टर्स को भी मज़ीद अगर वो बड़े हैं आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है आप उसको मज़ीद क्लस्टर्स सैंपल में डिवाइड कर सकते हो और वो जो सैंपल आप उनमें सेलेक्ट करोगे उसको हम क्लस्टर सैंपल कहते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है फिर जो ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग uh, हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो आपके पास क्या हो जाती है कम हो जाती है इसमें कम खर्च होती है ठीक है ये भी फिर हमारे पास जो क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ यूज हमारे पास क्यों होती है द सैम्पल हमें ए, जब आ, अवेलेबल कवरेज वो प्रोवाइड करती है वेरिएशंस हमें प्रोवाइड करती हैं तो ये तमाम चीज़ें जो आपके पास आ जाती हैं बट एडवांटेज आपने इसके मेन माइंड में रखने हैं कि हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं अच्छा ये तो हमारे पास टू टर्म मोर आ गए हैं जिसमें हमने सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल को डिस्कस किया और क्लस्टर रैंडम सेम्पलिंग डिस्कस किया उनके एडवांटेजेस को उनकी डेफिनेशंस को और उनके एग्जांपल्स भी हमने लिए हैं कि हमें हम पता होना चाहिए कि क्लस्टर सांपल बेसिकली है क्या और हम इसको कैसे डिवाइड करके कैसे उसको कवर कर सकते हैं अच्छा स्टूडेंट ये तो आपके पास टू मोर टॉपिक थे अब हमारे पास जो रह गए हैं वो है मल्टी मल्टी स्टेज साम्पल मल्टी फेज साम्पल इन सिक्वेंशियल साम्पल इनशाला नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा तब तक के लिए अल्लाह स्टूडेंट हमने प्रोबिलिटी प्रोबिलिटी रैनम सेम्पल जो है वो तमाम के तमाम के डिस्कस कर लिए थे अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है नॉन प्रोबिलिटी साम्पलिंग नॉन प्रोबिलिटी साम्पलिंग क्या होती है जिसमें हम कहते हैं कि हमारी पर्सनल जजमेंट इंक्लूड होती है ठीक है वो हमारे पास जो ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन होता है हम वैसे तो कहते हैं ना प्रोबिलिटी साम्पल में कि ईच एंड एवरी यूनिट हैज़ इट्स प्रोबिलिटी रैनम बट नॉन प्रोबिलिटी साम्पलिंग में आपका जो ईच डू होता है उसकी कोई स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी नहीं होती है बट हम क्या करते हैं कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारी अपनी पर्सनल जजमेंट होती है अच्छा अब फर्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ प्रपोजिव सैम्पलिंग प्रपोजिव सैम्पलिंग में हमारे पास क्या आ जाता है अ प्रपोजिव सैम्पल इज अ नॉन रैंडम सैम्पल इन विच सेलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द पर्सन एक्सपर्टाइज अबाउट द पॉपुलेशन प्रपोजिव सैम्पलिंग अगर हमारे पास आ रही है सैम्पलिंग अच्छा परपोजिव सैम्पलिंग में स्टूडेंट हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास पर्सनल पर्सन जो है पर्सनल एक्सपर्टाइज जो एक्सपर् एक्सपर्ट्स पर्सन होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन में से अपनी पर्सनल जजमेंट देते हुए क्या करते हैं हम जो पॉपुलेशन होती है उनमें से सैंपल uh, जो है वो सेलेक्ट करते हैं ठीक है तो वो हमारे पास क्या आ जाती है कि साम्पलिंग परपोजिव सैंपल इज अ नॉन रैंडम सैंपल इन विच सेलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द पर्सन एक्सपर्टाइज अबाउट द पॉपुलेशन अब प्रपोजिव सैम्पलिंग इज लाइबल टू द बेस्ट टू बी इंट्रोड्यूस बाई डेलीबरेट सब्जेक्टिव चॉइस ऑफ द पर्सन सेलेक्ट्स दसपल ये हमारे पास क्या है कि इट्स अ बेटर फॉर द डेलिब्रेट सब्जेक्टिव चॉइस ऑफ द पर्सन तो हमारे पास हम कहते हैं कि अगर हमने सब्जेक्टिव देखने हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब तो प्रोबिलिटी नहीं क्यों नहीं बट सब्जेक्टली ये हमारे पास क्या होता है कि बेस्ट है अगर हम जो हमारे पास पर्सनल जजमेंट करने वाला है वो बंदा एक्सपर्टाइज है एक्सपर्ट एक्सपर्ट है इस चीज़ में तो वो अच्छे तरीके से इसको ब, आ, हो कर सकता है जजमेंट अच्छा ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए परपोजिव सैम्पलिंग नहीं होती बल्कि ये हमारे पास क्या होती है फिनाइट पॉपुलेशन के लिए जो है हमारे पास आ जाती है परपोजिव सैम्पलिंग जो है हमारे पास आ जाती है देन uh, हम कहते हैं कि प्रपोजिव सैम्पलिंग की मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि uh, इसमें हमारे पास इस ड्रॉबैक्स भी आ जाते हैं फॉर एग्जांपल वी हैव द ट्रक ठीक है हमारे पास ये एक ट्रक है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि कोई भी फ्रूट मैंगोज़ हैं ठीक है हमारे पास इसमें यह क्या है दिस इज शोज मैंगोज मैंगो हैं और आप क्या कहते हो कि इस ट्रक ये जो हमने ट्रक लिया हुआ है जिसमें हमारे पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं तो परपोजेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो पर्स पर्स जो पर्स